ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीर जो है वो वंश वनगोत्रा की है और सुबह से ही आप खबर सुन रहे होंगे कि उनका शव उधमपुर के चनैनी में, चनैनी एक इलाके के पास मिला है और ये बेहद दुखद समाचार है। और ये जम्मू जम्मू के नाम से ही मशहूर हुए हैं और राजनेताओं को भी इन्होंने काफी आड़े हाथों लिया था और सुनने में आया कि हो सकता है इनका मर्डर कर दिया गया हो सकता है इनका कत्ल जो है वो किया गया हो। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं इनकी, जो डेड बॉडी वहां पर दिख रही है वो डेड बॉडी जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो डेड बॉडी जो है वो वहां चनैनी के पास में, सुबह सुबह चनैनी के पास में ये मिली हुई है और सुनने में आया कि शायद रात का ही ये हादसा हुआ है और इससे पहले भी इनकी ये तस्वीर, इसकी कोई वायलेशन नहीं है, दिखाओ ना। हाँ, तो ये तस्वीर आप देखें, चेहरा दिखा नहीं सकते लेकिन ये वो डेड बॉडी है जो पुलिस को मिली है। देखें, पुलिस जो है वो मौके पर वहां पर पहुंची हुई है और ये संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव जो है इनका वंश वनगोत्रा का मिला हुआ है। और जम्मू जम्मू के नाम से ये काफी मशहूर हुए थे क्योंकि अभी भी अगर आप इनकी ये इन्होंने माइनिंग माफिया पर भी निशाना साधा था, जो रिसेंटली इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी माइनिंग माफिया को लेकर। इससे पहले ये जो जम्मू जम्मू ये कह रहे हैं, ये देवेंद्र राणा को लेकर ये लोग कह रहे थे। इन्होंने, देवेंद्र राणा ने एक नारा दिया था जब वो भाजपा में शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी नारा दिया था जम्मू जम्मू का। और उसके बाद इनका ये वीडियो आया था और ये शायद उनके साथ कुछ कार्य करते थे, को पेमेंट थी जो इनकी नहीं दी गई थी। उसके बाद इन लोगों ने, इस वंश ने इस तरह की बातें जो हैं वो बोली और अब जो है वो इनका शव मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों मिला है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या उनका कत्ल हुआ है, किसी ने मार दिया, क्या इनको ये जो वीडियोस जिस तरह से बना रहे थे वो वीडियोस बनाना भारी पड़ गया, किसी राजनेता का इनके मर्डर के पीछे हाथ है। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र भगत हैं जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। राजेंद्र जी। जी जी सर। अच्छा, मेरी आप आपने ये तस्वीरें देखी वंश की? हाँ, ये काफी दुखद था और दीपक, जब से ये समाचार आ रहे हैं और दूसरे मीडिया चैनल पर भी ये आ रहे हैं, तो ऐसी शंका तो पहले से लगाई जा रही थी कि जब इन्होंने शुरू में इस पर एक बड़े नेता का नाम लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा था जब उन्हें सर्विस से या जॉब से निकाला था, कुछ ऐसा हुआ था जी जी, और उसके बाद से उन्होंने उनका नाम लेकर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में आए थे जी, तो उनका नाम लेकर जिस तरह से उन्होंने वो बड़े इल्जाम लगाए थे, तो आशंकाएं तो उस समय लग रही थी कि क्योंकि उनकी भी एक फैन फॉलोइंग हो सकती है तो वो लोग भी कुछ इस तरह की शरारत कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक समय, काफी लंबे समय बीच में हो गया और लोगों में भी वो चेहरा जो था वो जाना पहचाना हो गया। और वंश मंगोत्रा जो पहले तो आम इंसान ही होगा, लेकिन उसके बाद जब वो उनकी वीडियो वायरल हुई थी जम्मू 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 करके जी, तो बाद में वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे और हम देख रहे थे पिछले दिनों भी, उन्होंने आज से 3-4 दिन अगर पहले देखे तो वहां भी एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल की थी जिसमें वो संकेत दे रहे थे उसी तरह का कुछ जी जी, तो ऐसा लग रहा था कि इनके साथ कुछ हो सकता है। नहीं तो हो सकता, मतलब ये हम क्या समझे कि कोई राजनेता है इनके पीछे है, इनके कहीं राजनेता ने तो नहीं कोई कत्ल करवा दिया इनका? देखो दीपक, सीधी सी बात है कि आम लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कोई आदमी किसी को ऐसे जाकर मर्डर तो करेगा नहीं, राह चलते किसी को मर्डर तो करेगा नहीं। हाँ, एक्सीडेंट के हादसे तो होते हैं जी, या कोई बीमारी से तो मर जाता है, लेकिन मर्डर होना एक अलग बात होती है। मर्डर जो होता है किसी की हत्या करना, और जो मर्डर करता है वो भी ये जानता है कि कल को मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसके बाद मुझे भी एक लंबी सजा होगी जी, और ये बड़ा रिस्क जब कोई उठाता है तो उसके पीछे मामला भी कोई बड़ा होता है। कोई ऐसा मामला तो होता नहीं है कोई 10-20 हजार का होगा या कोई इस तरह का होगा, इसका मतलब
जब किसी की हत्या की जाती है तो मामला काफी गंभीर होता है, कोई प्लानिंग होती है। माइनिंग माफिया पर इन्होंने कटाक्ष किया था, जो इनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी। इसके अलावा राजनेताओं को भी एक बार फिर से इन्होंने आड़े हाथ लिया था और ये कह रहे थे कि भाजपा ने आप सभी नेताओं को जो है वो निचोड़ के रख दिया, जो अहंकार जो घमंड इन सभी नेताओं को था वो तोड़ के भाजपा ने रख दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका ही इन्होंने कहा कि इसका मुंह बंद करवाना जरूरी हो गया? दीपक देखो, दो बातें तो आपने खुद कह दी है कि माइनिंग वाला इशू कह दिया, दूसरा राजनेताओं का कह दिया जी। अब देखो होता क्या है कि ये जो बड़े मामले होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनमें ये इस तरह की जो आप देखो, ये मान लीजिए आज मर्डर हो गया उनका, मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कैसी और कहां तक होगी? क्या इससे पहले जो मर्डर हुए हैं, इस तरह के जो बड़े मर्डर हुए हैं माइनिंग को लेकर, राजनीति को लेकर, जो माइनिंग जो बड़े हत्याएं हुई है, तो उसमें भी आपने देखा होगा क्या निकला है, 10-10, 20-20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसमें भी कौन पकड़ा गया? एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, वो फरार हो जाता है, बाहर होता है, कुछ इस तरह के होता है। और मान के चलो कि ये वाला जो मर्डर हुआ है, ऐसा अनुमान है, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सख्त है, मानी जाती है, वो उसने ऐसे ऐसे केस जो है वो भी सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन जब भी कहीं बीच में कोई दखलंदाजी आ जाती है, बड़ी माफिया आ जाता है, कुछ इस तरह का आ जाता है, तो फिर जो मर्डर करने वाले लोग हैं वो उससे भी शातर होते हैं, वो 10 गुना ज्यादा शातर होते हैं। अब इस व्यक्ति ने अगर 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल की थी या उससे पहले की होगी, तो इसके पास कोई तो कोई रिकॉर्ड तो होगा, माइनिंग को लेकर होगा या कोई राजनीति को लेकर होगा, तो वो जो भी रिकॉर्ड होगा या तो इनके पास कहीं पड़ा होगा या किसी ऑडियो में होगा, वीडियो में होगा, इनके सोशल अकाउंट में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हम आज हत्या पर बात कर रहे हैं, तो हत्या हमने मतलब लग रहा है हमें वीडियो आ गई, फोटोज आ गए, लोगों की राय आ गई, कौन व्यक्ति था, तो मतलब कुछ तो कुछ जानकारी आ गई, जिसके बाद से जो सोर्स से जानकारी आती है वो जानकारी तो हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि इसके 24 घंटे तक हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि आखिर ये हत्या हुई क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बड़ी बड़ी आइडिया लगा रहे हैं और बाद में जब हत्या हो जाए तो एक छोटी सी बात की बात को लेकर निकल आएगी, इस कारण से हत्या हो गई। और ये सारी बातें हैं अभी तो इस तरह की है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो एक नॉर्मल सराह चलता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले इल्जाम लगाए थे, किसी बड़े नेताओं पर इल्जाम लगाए थे, राजनीति को लेकर इल्जाम लगाए थे, 2-3 दिन पहले भी कुछ इस तरह के संकेत दिए थे, और दूसरा माइनिंग पर उन्होंने कटाक्ष किया था। अब इसको हम साधारण तो ले नहीं सकते हैं कि एक नॉर्मल हत्या का मामला होगा, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, हत्या में आपने देखा होगा उस व्यक्ति के जो कपड़े पहने हुए हैं, कोई ऐसा कपड़ा तो है नहीं है कि वो व्यक्ति को जंगल में जा रहा है, कोई शिकार करने जा रहा है या कुछ ऐसा हो गया, मर्डर किया गया ना, मर्डर किया गया, हत्या की गई है, तो इसका मतलब हुई है या क्या की गई, अभी तक तो जो जानकारी सोशल मीडिया से आ रही है हम वही कह रहे हैं। तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इनकी इनका मर्डर किया गया है और उसके बाद फेंका गया है इनको, ऐसा लगता है बिल्कुल। और अभी तो उसके पास जाकर ये हमने भी नहीं देखा, और कोई इस तरह की वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई है जिसमें पता चले कि क्या हथियार यूज हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या मर्डर हुआ है, गला घोटा गया, क्या क्या हुआ, कि कोई पता नहीं है अभी तक। अभी केवल आशंकाएं जता रही है, और ये है कि 24 घंटे तक हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो परिवार के लोग होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल होंगे, जो भी होंगे, कुछ मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ नया तो जरूर आएगा, इसके हत्या के पीछे का जो होगा मोटिव होगा वो जरूर आएगा, क्योंकि अभी एक सिर्फ मात्र तस्वीरें आई हमारे पास जी, और उसके 3-4 दिन पहले वीडियो जो आई है। लेकिन एक बात है, दुखद ये है कि अभी जब से ये इनका हत्या वाला ये जो लोगों के पास जब से न्यूज आ रही है, तो लोग हमें भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता, मतलब लोग थोड़ी सहानुभूति भी रखते हैं, वो हंसता हुआ चेहरा है, चेहरे पर हल्के से कट है, अच्छी सी मूंछें हैं उसकी, वो व्यक्ति हंसता भी है, अच्छी टी शर्ट पहनता है, रीने बनाता है, तो वो एक साधारण व्यक्ति है, ऐसे ही जैसे जम्मू के और लोग होते हैं जो युवा होते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, हाँ कोई पत्रकार बन जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है, कोई जॉब करता है, और कोई ऐसा हो जाता है जो सोशल वर्क करता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, हर बात को जो सोचते हैं वो सोशल मीडिया में कह देते हैं जी। तो वो व्यक्ति भी ऐसा था कि उसने काली जब वीडियो आई तो उसने एक ऐसा लग रहा था कि वो ड्रिंक में थे, तो ड्रिंक के नशे में उन्होंने कुछ कहा था जम्मू जम्मू को लेकर, और हालांकि वो देवेंद्र राणा जी की नकल कर रहा था, उनको मतलब होता ना पिंच करना कुछ इस तरह, जो आम होता है कि जो आदमी कहीं से जात छोड़ता है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बोल दे, क्योंकि नशे में जो व्यक्ति बोलता है तो कहते हैं सच बोलता है, चलिए हो सकता उस समय तो ये सब कुछ था, लेकिन अभी के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, पुलिस क्या करती है ये सारी चीजें हैं, अभी तो आशंकाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी कहानी जो होगी वो जरूर सामने आएगी। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो
वंश वनगोत्रा का, ऐसा लगता है कि शायद उनका मर्डर कर दिया गया है। और राजनेताओं की बात करें 2014 से पहले, अगर थोड़ा सा इन नेताओं के करियर की तरफ इन्होंने किस तरह का कार्य किया है अगर थोड़ा सा आप दृष्टिपात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बोलने वालों को बख्शा नहीं जाता था, बोलने नहीं दिया जाएगा, बोला नहीं जाएगा। और वंश वनगोत्रा जब बोलते थे तो लोगों को खुशी भी होती थी, वो एक कटाक्ष इस तरह से करते थे, लोग प्रसन्न भी होते थे, उनकी बातें सुनते थे, कमेंट भी करते थे। और आज जब से ये खबर सुनी है तो लोग जो है वो काफी चौंक गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।